स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कावासाकी की तरफ से अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है वर्सेस 650। ये बाइक स्पोर्ट टूरर कैटेगरी में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों इस बाइक के बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं, क्या है इसके इंजन स्पेसिफिकेशन, क्या कुछ फीचर्स मिलेगा, डिटेल से बात करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले इस बाइक की डिजाइनिंग लुक की बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इस बाइक का जो लुक है स्पोर्ट टूरर टाइप का है। इस बाइक का जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा है, 1400 mm हाइट है इसका, जो नॉर्मली बाइक का होता है 1050 mm, 1120 mm, ज़्यादा से ज़्यादा 1150 mm तक देखने को मिलता है। पर इस बाइक का जो हाइट है 1400 mm है। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 140 सेंटीमीटर होता है। अगर फीट की बात करें तो 4.59 फीट देखने को मिलता है, यानी कि अगर कोई 5.5 फीट का बंदा है तो उस बंदे का लगभग छाती तक का आ जाएगा बाइक। तो कह सकते हैं ये काफ़ी बड़ी बाइक देखने को मिलता है। फ्रंट साइड में ट्विन LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, बड़ा सा विंडशील्ड देखने को मिल जाता है। और इस बाइक का जो लुक है वर्सेस 1000 से लिया गया है। तो देख सकते हैं डिजाइनिंग कुछ इस तरह का है। वैसे भी दोस्तों कावासाकी का जितने भी बाइक है आपको अच्छे खासे डिजाइनिंग देखने को मिल जाता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको दो कलर मिलेगा, लाइम ग्रीन और मेटेलिक पैंथोम सिल्वर। इसमें इंजन लगाया गया है 649 cc का लिक्विड कूल 4-stroke 8-valve पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलता है। ये बाइक 8 valve वाली डुअल सिलेंडर का इंजन है। मैक्सिमम पावर निकालती है 66 PS की 8500 RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 61 Nm 7000 RPM पर। गियर की बात करें तो 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा। स्टार्ट ऑप्शन में आपको ओनली इलेक्ट्रिक स्टार्टर मिलेगा, किक नहीं मिलेगा। इसके अलावा टायर और व्हील साइज़ की बात करते हैं तो फ्रंट का टायर 120/70/17 का और पीछे का 160/60/17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी चौड़ी टायर देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करते हैं तो फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, डुअल डिस्क यानी कि दोनों साइड डिस्क देखने को मिलेगा और डुअल पिस्टन देखने को मिलता है। रियर डिस्क ब्रेक की बात करें तो 250 mm का सिंगल डिस्क मिलेगा, इसमें सिंगल पिस्टन लगाया गया है। बात करते हैं डायमेंशन की। इसकी व्हील बेस है 1415 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, सीट हाइट 845 mm, फ्यूल टैंक 21 लीटर, बाइक का वजन है 219 kg। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 845 mm सीट हाइट आता है, जो कि शॉर्ट राइडर के लिए तो ये बाइक बिल्कुल नहीं है। जिनकी हाइट 6 फीट 5 फीट 8 इंच 5 फीट 10 इंच है उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा। यदि आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच 5 फीट 3 इंच है तो आप इस बाइक को भूल जाइए चलाने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसकी तो एक वजन ज़्यादा है, इसके अलावा सीट हाइट ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इस बाइक की माइलेज की बात करें तो कावासाकी की किसी भी बाइक में आपको ज़्यादा माइलेज देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 12 से लेकर 15 KMPL तक की माइलेज मिलने वाली है, इससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको TFT कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा, जो कि नेविगेशन वगैरह का सभी कुछ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है, USB चार्जर मिल जाएगा। इसके अलावा इस बाइक में स्टैंडर्ड वारंटी 2 साल का मिलता है या फिर 30,000 किलोमीटर का वारंटी देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें इस बाइक की प्राइस की तो इसका शोरूम प्राइस रखा गया है 7,36,000 रुपया। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये बाइक आपको पड़ने वाला है 8,40,000 8,45,000 तक का पड़ सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कावासाकी वर्सेस 650 की डिजाइनिंग लुक और फीचर्स के बारे में क्या ख्याल है, इसकी प्राइस आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।